Hello all my viewers, and today I'm going to solve this question from Erodo from the chapter Kinematics, question number 1.13. Point A moves uniformly with speed v so that the velocity vector v is continually aimed at the point B. So A ऐसे move कर रहा है कि हमेशा B की तरफ aim करेगा अपने velocity को, which in turn moves rectilinearly and uniformly with speed u. So ये एक particle है जो कि सामने जा रहा है यू स्पीड से, और एट इनिशियल मोमेंट यू इज परपेंडिकुलर टू वी. तो नीचे को एक पार्टिकल एक और है, तो यू ऐसे जा रहा है और वी परपेंडिकुलर है. द पॉइंट द सेपरेटेड डिस्टेंस एंगेज में एल है और परपेंडिकुलर दोनों की स्पीड है, मतलब यू आगे जा रहा है और वी हमेशा इसको एम कर रहा है, मतलब जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह होनी चाहिए. जब यहां पहुंच जाएगा तो डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए. जब यहां पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मोड़ने, मतलब वेलोसिटी हमेशा टर्न ले रही है, ऐसे ऐसे मान सकते हैं. जब ये यू वाला पार्टिकल यहां होगा तो ये एक तरह से यहां होगा इस पॉइंट पे, जब यहां होगा तो ये इस पॉइंट पे यहां पहुंच गया होगा, अपनी वेलोसिटी बदल लेगा. जब यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी फिर बदल लेगा, जब यहां पहुंच गया तो हमेशा इसकी इस पॉइंट को इसकी वेलोसिटी एम करेगी. जैसे स्टार्टिंग में इसने ऐसे एम किया था, कुछ देर बाद ये ऐसे एम करेगा, फिर ये ऐसे एम करेगा, ऐसे और फाइनली ये एक कुछ अजीब से पाथ में घूम के इस कन्वर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा. इससे बताना है कि कितनी देर में मिलेगा, ठीक है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक. तो लेट्स सॉल्व इट. तो ये आपके पास पॉइंट है, ये पार्टिकल है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इससे मिल रहा है. तो किसी इंस्टेंट पे लिखता हूं मैं, लेट्स सपोज इस इंस्टेंट की बात करता हूं. जब ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये जो यू स्पीड से जा रहा है, तो ये पार्टिकल इस टाइम यहां जा रहा है और ये जो है ये इसकी तरफ अभी एम कर रहा है, यहां कहीं जा रहा है इस तरह. लेट्स सपोज कि इस इंस्टेंट पे ये एंगल जो है वो अल्फा है और इसको बी बोल देता हूँ, उसको मैं ए बोल देता हूँ. एंड दिस स्पीड इज एक्चुअली वी, ये स्पीड वी है और एक अल्फा मान लिया हमने और बी यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है. तो मैं लिखता हूँ और दोनों यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट को मैं कुछ सी बोल देता हूँ, ठीक है. और लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है इस तरफ, ये कुछ एक्स मान लेते हैं और जो वर्टिकली डिस्टेंस है इसको हम कुछ वाई बोल देते हैं. तो हमें पता है कि दोनों ने एक स्टार्ट स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया यहाँ से इधर जाना, इसने स्टार्ट किया ऊपर जाना, लेकिन फाइनली दोनों यहाँ पे मीट कर गए. सो आफ्टर टाइम टी देखते हैं बी को, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर निकालता हूं, तो बी की स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है इसकी. तो बी का टाइम लिखता हूं एक्स इक्वल टू डिस्टेंस इन स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस का ये बी सी है जो ट्रेवल किया इसने, यू टू. इसी काम को मैं ए के लिए कर लूं. सो ए की स्पीड तो वेरिएबल है, ठीक है. एक ही स्पीड तो हमेशा अलग अलग एंगल पे वेक्टर है, वेलोसिटी मतलब वेक्टर वेरिएबल है वेलोसिटी का. तो हमेशा इसकी वेलोसिटी कभी ऐसे है तो कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, हमेशा डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है. तो इसके लिए मुझे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट तो करना ही होगा. सो इस इंस्टेंट में मान रखा है इसको, तो ये एंगल अगर देखें तो ये एंगल कुछ अल्फा होगा इस पर. तो अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालूं तो ये वी कॉस अल्फा होगा. तो आई कैन राइट कि भाई डी एक्स इक्वल टू वी डी टी बोल देता हूँ, एक्स में जो वेलोसिटी है, दिस इज वी कॉस अल्फा इंटू डी टी एंड दिस इज डी एक्स. इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये भी निकल के डी एक्स का एक्स आ जाएगा जो ट्रेवल किया इसने, एंड दिस इज इसको कर लेते हैं तो दिस इज कॉस अल्फा डी टी, ठीक है. तो ये इक्वेशन टू आ जाएगी. अब एट फाइनल मोमेंट व्हेन दे मीट, जब दोनों मिलेंगे तब दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो सेम हो जाएगा एक्स में. अगर इसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो ये भी इतना ही करेगा, तभी दोनों मिल पाएंगे इस जगह पे. दैट मींस कि हम लिख सकते हैं कि यू टी इक्वल टू वी कॉस अल्फा डी टी. सो कॉस अल्फा डी टी इज इक्वल टू यू टी बाई वी. ये इक्वेशन हम यहाँ से बोल सकते हैं, थ्री बोल देते हैं इसको. तो ये हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ निकाला कि एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उससे हमने इसको
सॉल्व किया। ओके नाउ अब आगे देखते हैं। अब मैं जरा इसको देखता हूँ, लेट सपोज कि ये डिस्टेंस, इस इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस माना है, मैं जब ए यहाँ पहुंच गया और बी यहाँ पहुंच गया, तो इस डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा कुछ है, ये आगे जा रहा है यू स्पीड से एंड दिस इज गोइंग विद वी, एंड ये एंगल आपका अल्फा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, सिर्फ इसकी, ये डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है इनके बीच का, और आर उनके बीच का डिस्टेंस है जो लगातार कम हो रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम को आपको समझाने के लिए थोड़ा सीधा ड्रॉ करूं, तो ऐसे ड्रॉ होगा। सीधा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं और ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इस यू के कंपोनेंट कर लेता हूँ मैं, एक तो हो जाएगा यू कॉस अल्फा, और एक ये हो जाएगा ये यू साइन अल्फा, और एक ये तो भी है इसकी तरफ, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, और ये डिस्टेंस के बीच का आर है। तो आर कम हो रहा है, ठीक है, तो आर इसकी वजह, अब मैं मोशन रिस्पेक्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूँ, तो एक ही स्पीड क्या दिखेगी, एक ही स्पीड हो जाएगी वी माइनस यू कॉस अल्फा, और एक ये। अगर बी देखो ए को, तो बी को एक ही स्पीड ये दिखेगी, हमने इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया, वी ए माइनस वी भी निकाल लिया वेक्टर से, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट की वजह से कोई डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो इसको ओमेगा देगा ये। तो जो ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये कंपोनेंट इसका डिस्टेंस कम करवाएगा, बिकॉज ये इसके अलॉन्ग लाई कर रहा है। सो आई कैन राइट दैट कि भाई जो ये डी आर बाई डी टी होगा, वो इज इक्वल टू वी माइनस यू कॉस अल्फा, डी आर इक्वल टू वी माइनस यू कॉस अल्फा डी टी लगा सकते हैं आप दोनों तरफ, और नेगेटिव और लगाना पड़ेगा उनको, बिकॉज आर जो है कम हो रहा है, आर इज डिक्रीजिंग, आर कम हो रहा है, दैट मीन्स कि जो ये डी आर है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो, और ये टर्म अपने आप में ही पॉजिटिव होगी एक, बिकॉज ये कन्वर्ज हो रहा है, तो हमने बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव हो जाए, और अगर नहीं लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब बोथ सेट कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो दिस इज इक्वल टू जो आर उनके बीच का डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस एल था, तो एल से बाद में यहाँ पे जीरो हो जाएगा इस जगह पे, तो दिस इज इक्वल टू ये एल आ जाएगा, वी जीरो से टी, वी कॉन्स्टेंट बार टी माइनस यू कॉस अल्फा डी टी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, दिस इज यू टी बाई वी, तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टी बाई वी एल, एंड टी इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इतने टाइम में ये दोनों पॉइंट कन्वर्ज हो जाएंगे, और हमने इसको सॉल्व किया, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और काफ़ी टफ इसको माना जाता है। तो हमने इसको पहले हमने क्या किया, पहले मैं दोनों का डिस्टेंस सेम किया एक्स में, और उससे इक्वेशन निकाली, फिर एक उससे ये टर्म निकाली, और फिर आर के अलॉन्ग इक्वेशन लगाई, और उससे हमने फिर से कुछ निकाला और फिर सॉल्व किया उसको फाइनली। सो आई बिलीव आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।